बीजेपी में जाने की अटकलों के बीच कमलनाथ का बयान। बीजेपी में जाने की अटकलों पर बोले कमलनाथ, मेरी किसी से बात नहीं हुई, ये कमलनाथ ने कहा है। लगातार वो इस खबर का खंडन करते हुए अभी तक नजर आ रहे हैं। बीजेपी में जाने की अटकलों पर कमलनाथ का बयान सामने आया, मेरी किसी से बात नहीं हुई है, ये उन्होंने कहा। और बीजेपी में जाने की अटकलों के बीच कमलनाथ का ये बयान सामने आया है। भाजपा में शामिल होने की रघुनाथ जी की बात हो रही है। कमलनाथ के बीजेपी में जाने की अटकलों के बीच सज्जन सिंह वर्मा का पोस्ट, भगवान राम को लेकर सज्जन सिंह वर्मा का एक्स हैंडल पर पोस्ट लिखा, तेरे राम मेरे तुझमें राम मुझमें राम, ये जय श्री राम, ये उनकी तरफ से पोस्ट आया है। तेरे राम मेरे राम तुझमें भी राम मुझमें भी राम जय श्री राम। तो एकदम से विचारधारा बदल गई है कुछ नेताओं की यहाँ पर, और ये संकेत साफ हैं कि ये नेता किस तरफ अब जा रहे हैं। वही कमलनाथ पर छिंदवाड़ा के मेयर का बड़ा बयान, कमलनाथ जिधर जाएंगे उधर मैं जाऊंगा, ये विक्रम आहाके ने कहा है। आने वाले समय में बदलाव की उम्मीद है, कुछ दिनों में उनकी पार्टी छोड़ने की चर्चा तेज, क्षेत्र के विकास के लिए दोनों नेताओं ने काम किया। और उन्होंने कहा कि जिधर कमलनाथ उधर हम, और ऐसे कई नेता हैं जो इस तरह का बयान दे चुके हैं। अब विक्रम आहाके ने भी साफ कर दिया है। आप लोगों के माध्यम से ही हमें तमाम जानकारी हमारे तक आ रही है, और लगभग 15 से 20 दिनों के अंदर ये चर्चाएं में तेज़ी आई है। विगत एक दो दिन से इसमें और ज़्यादा तेज़ी आई है। निश्चित तौर पर इसमें अभी कहना मेरी तरफ से कोई जल्दबाजी होगा, लेकिन जिस हिसाब से कमलनाथ जी और नकुलनाथ जी दिल्ली पहुँचे हैं और जो घटनाचक्र वहाँ पर चल रहा है, निश्चित तौर पर हमें आने वाले समय में कुछ ना कुछ बदलाव देखने को मिलेगा जो छिंदवाड़ा की राजनीति और प्रदेश की राजनीति की दिशा और दशा तय करेंगे। देखिए, कमलनाथ जी और नकुलनाथ जी ने विकास की राजनीति की है, और जहां कमलनाथ जी और नकुलनाथ जी रहेंगे हम भी निसंदेह उनके साथ, हमेशा जैसी भी परिस्थितियां हम उनके साथ हैं। कमलनाथ के बीजेपी में जाने के सवाल पर सज्जन सिंह वर्मा ने कहा, जहां कमलनाथ जाएंगे वहां हम जाएंगे, ये उनकी तरफ से बयान सामने आया। कमलनाथ जी के कदम जिस तरफ जाएंगे, सज्जन वर्मा के कदम भी उस तरफ जाएंगे। ये स्वाभाविक है कि 40 बरस का संबंध है, सुख दुख के साथ ही हम एक दूसरे के रहे हैं, तो जहां वो जाएंगे मॉरल सपोर्ट के लिए मुझे भी रहना पड़ेगा। और जब मेरे नेता की प्रोफाइल से कोई चीज़ हटती है तो मुझे प्रतीकात्मक रूप से उसका अनुसरण करना चाहिए। तो ये प्रतीकात्मक है कि मेरे नेता की प्रोफाइल से वो हटी तो मुझे भी हटा लेना चाहिए। उधर कांग्रेस ने कमलनाथ के बीजेपी में शामिल होने की अटकलों को निराधार बताया। जो खबरें हैं निराधार हैं, कोई किसी प्रकार की वो भावना कभी सपने में आप सोच सकते हो कि इंदिरा जी का तीसरा बेटा कांग्रेस छोड़ सकता है? कभी सपने में भी ये विचार आ सकता है कि अभी 2 महीने पहले जिनके नेतृत्व में हमने चुनाव लड़ाए कि कांग्रेस का कार्यकर्ता अपनी जान लड़ाकर उनको मुख्यमंत्री बनाने के लिए अपना सब कुछ निछावर करता रहा, क्या उनको छोड़ने की बात कमलनाथ जी कर सकते हैं? कभी सपने में भी आप सोच सकते हैं कि जब सिंधिया जी जा रहे थे, सरकार गिरा रहे थे, तब हमारे जैसे लोग पुलिस के और उनके गुंडों के डंडे खा रहे थे कमलनाथ जी को मुख्यमंत्री बनाने के लिए जगह जगह, वो हमें छोड़ के जा सकते हैं? कांग्रेस पार्टी को छोड़ के जा सकते हैं? जिस व्यक्ति ने अपने राजनीतिक जीवन की शुरुआत नेहरू गांधी परिवार के साथ, उनके पीछे साथ में खड़े होकर उस समय लड़ी थी जब पूरी जनता पार्टी उस केंद्र की सरकार इंदिरा जी को जेल भेज रही थी, उस आदमी को आप कभी उम्मीद भी कर सकते हो कि ऐसा आदमी कभी कांग्रेस और सोनिया गांधी जी के परिवार को छोड़ के जाएगा, इंदिरा जी के परिवार को छोड़ के जाएगा? भारत जोड़ो